पटना में बन रहे गंगा पथ को लेकर के एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। हालांकि ये खबर पहले भी आ चुकी है, लेकिन अब उस पे मुहर लगता दिख रहा है। 15 अगस्त को गांधी मैदान से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की थी कि गंगा पथ का एक्सटेंशन होगा। दीघा से दीदारगंज तक जेपी गंगा पथ बनाने का हमने किया था और इसका शुभारंभ किया था 11 अक्टूबर 2013 को। अब अभी जाकर के 24 जून 2022 से जेपी गंगा पथ के दीघा से पीएमसीएच तक के भाग को लोगों के लिए शुरू किया गया है। इसको लेकर के लोग बहुत उत्साहित हैं और हजारों की संख्या में लोग गंगा पथ का दर्शन करने के लिए आते हैं। हम भी कई बार 2-3 बार देख चुके हैं, लोगों को कितनी खुशी है। और दीघा से दीदारगंज तक संपूर्ण परियोजना का कार्य फरवरी 2024 तक पूरा किया जाएगा। लेकिन उसके अलावे हम लोगों ने यह भी तय किया है कि पश्चिम में दानापुर से आगे शेरपुर तक ले जाने की योजना है, जहां पर गंगा नदी पर निर्मित होने वाले शेरपुर दीघापुर 6 लेन पुल से भी संपर्कता होगी। और पूरब में गंगा पथ को गंगा नदी पर बन रहे कच्ची दरगाह विदुपुर 6 लेन पुल से भी जोड़ा जाएगा। और भविष्य में हमारी इच्छा है कि गंगा पथ को पूरब की ओर बख्तियारपुर ताजपुर पुल और पश्चिम की ओर आरा छपरा पुल से भी जोड़ा जाए। अब आप कल्पना कर लीजिए कि गंगा नदी के किनारे अभी जो पथ बन रहा है जेपी गंगा पथ, अब कितना लोगों को खुशी और कितनी दूर तक एक जगह से दूसरे जगह पर जाने का और फिर दक्षिण बिहार से उत्तर बिहार जाने में लोगों को कितनी और ज्यादा सुविधाएं होंगी। उसके फलस्वरूप विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी कि डीपीआर बनाने के लिए टेंडर जारी किया गया है। अखबारों में आई खबर के अनुसार बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी बीएसआरडीसी के अधिकारियों के मुताबिक दीघा से शेरपुर के बीच 12.5 किलोमीटर की दूरी है। इस 12.5 किलोमीटर की दूरी में गंगा पथ का एक्सटेंशन होना है दूसरे चरण में। साथ ही दीदारगंज से बख्तियारपुर के बीच 35 किलोमीटर की दूरी है, जिसमें दीदारगंज कच्ची दरगाह मोजीपुर फतुआ खुसरोपुर बख्तियारपुर ऐसे कई जगह हैं जिसको टच करते हुए बख्तियारपुर तक के 35 किलोमीटर गंगा पथ के 4 लेन रोड का निर्माण होना है, जिसके लिए डीपीआर का टेंडर जारी कर दिया गया है। अगर कुल दूरी की बात की जाए तो अभी वर्तमान में गंगा पथ पे यानी दीघा से लेकर दीदारगंज तक 20.5 किलोमीटर की दूरी में गंगा पथ का निर्माण चल रहा है, जिसमें 7.5 किलोमीटर यानी कि दीघा से लेकर के पीएमसीएच तक निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और गाड़ियों का आवागमन जारी है, ये आप सभी को पता है। शेष 12.5 किलोमीटर 13 किलोमीटर की दूरी को लगभग 2024 में कंप्लीट करने की योजना हुई। आपको बता दें कि जेपी गंगा पथ का निर्माण 2013 में शुरू हुआ था और 2022 में इसके 7.5 किलोमीटर की दूरी तक निर्माण हो चुका है और वो चालू है, जनता को समर्पित किया जा चुका है। अगर कुल दूरी की बात की जाए तो बख्तियारपुर से शेरपुर के बीच 68 किलोमीटर की दूरी है, जिसे इस हाईवे पे एक घंटे से भी कम समय में तय करना संभव हो सकेगा। इस 4 लेन हाईवे से आपको बता दें कि पटना रिंग रोड के 2 पुल इससे कनेक्ट हो जाएंगे, एक जो शेरपुर दिघवारा प्रस्तावित है और दूसरा जो कच्ची दरगाह बिंदुपुर 6 लेन ब्रिज का जो निर्माण चल रहा है, जो आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे का हिस्सा भी है, उससे कनेक्ट हो जाएगा ये गंगा पथ। साथ ही उत्तर बिहार को कनेक्टिविटी देने वाले शेरपुर दिघवारा कच्ची दरगाह बिंदुपुर बख्तियारपुर ताजपुर जेपी सेतु पुल कनेक्ट हो जाएंगे, यानी कि 2 रिंग रोड अगर देखा जाए तो रिंग रोड जो शेरपुर दिघवारा से लेकर के कच्ची दरगाह तक टर्न कर रहा है पटना का रिंग रोड, वो आपको कनेक्ट हो जाएगा। साथ ही ये जो उत्तर बिहार के वैसे तो और भी कई पुल हैं, लेकिन ये 4 पुल जो हैं ये इस गंगा पथ से कनेक्ट हो जाएंगे, जिसमें अभी फिलहाल लोग जेपी सेतु कनेक्टेड है, लोग आ जा रहे हैं।
कच्ची दरगाह के पास ही दीदारगंज में इसका शुरुआत हो रहा है, तो भी एक तरह से समझे कनेक्शन है। तो ये है एक बहुत बड़ी खबर है। इसके बाद तीसरा चरण भी होगा। तीसरा चरण जब इसके निर्माण की तीसरे चरण की बात आएगी तो शेरपुर दिघवारा 6 लेन पुल से आरा छपरा जो डोरीगंज में जो पुल है आरा छपरा पुल वीर कुंवर सिंह सेतु वहाँ तक भी कनेक्शन होगा, लेकिन वो अभी नहीं होगा, अभी यहीं तक होगा। तो ये एक बहुत बड़ी खबर आई है। 47.5 किलोमीटर का विस्तार किया जा रहा है गंगा पथ का, जिसमें दीघा से 12.5 किलोमीटर की दूरी शेरपुर तक, शेरपुर दिघवारा ब्रिज तक, और इधर बख्तियारपुर ताजपुर ब्रिज तक जो लगभग 35 किलोमीटर की दूरी होगी। तो एक नया विकल्प, एक नया मार्ग गंगा नदी के समानांतर लोगों को आने जाने का मिलेगा। और जाम की समस्या जो आए दिन बनी रहती है, वैसे तो जब तक लोग अपनी मानसिकता को चेंज नहीं करेंगे तब तक जाम की समस्या 1000 लेन का भी रोड बन जाए तो भी लोग करेंगे, क्योंकि इस पे अतिक्रमण और लोगों की मनमानी और गाड़ी को लगाने का जो ढंग है उसमें अगर परिवर्तन नहीं होगा तो ये चलता रहेगा। इसलिए लोगों को भी अपने सरकार एक कदम आगे बढ़ी है, तो आपका भी हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी एक कदम आगे बढ़ करके ट्रैफिक के नियमों का पालन करते हुए, मनमानी को ख़त्म करते हुए, अपनी मनमानी मतलब मैं अपने स्वयं की मनमानी जो जहां तहां गाड़ी को रोक दिए, जहां तहां लगा दिए, जैसे तैसे लगा दिए, और जैसे तैसे के चक्कर में रोड क्या होता है कि रोड 4 लेन का रोड सिमट करके 1 लेन में बदल जाता है, तो वो सब खत्म नहीं होगा तब तक ये सब जाम की समस्या से मुक्ति नहीं मिलेगी। तो जाम आज गांधी सेतु पे चलना कितना आसान हो गया है, लोग जाते हैं और 5 मिनट में लौट करके चले जाते हैं, जिस गांधी सेतु पे 5-5 घंटे लगते थे और गांधी सेतु का नाम सुनते ही लोगों के पसीने छूट जाते थे, उस गांधी सेतु पे आज लोग सफ़र कर रहे हैं और बार बार मतलब कई बार आ रहे जा रहे हैं। इवन अगर इधर से जाना है अच्छा रुको आते हैं उधर चले जाते हैं, उधर से फिर लौट करके चले जाते हैं, तो ये स्थिति बनी हुई है। तो ऐसा स्मूथ ट्रैफिक होना ज़रूरी है, तो उसी के लिए काम चल रहा है, 1 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। तो इस पे अमल लाना और हम लोग को भी सचेत होना ज़रूरी है, अपने आदतों को सुधारना ज़रूरी है। तो यही अपडेट है इस प्रोजेक्ट का। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिलेंगे किसी और अपडेट के साथ। नमस्कार, जय भारत, जय बिहार।